हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से लोगों में सैनिटाइजर उपयोग करने का चलन ज़्यादा हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने सैनिटाइजर सही से यूज़ नहीं किया तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इस बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उसे क्लिक कर वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने हैंड सैनिटाइजर से होने वाले नुकसान के बारे में बताया था, लेकिन ये वीडियो हैंड सैनिटाइजर के उपयोग को लेकर है। दरअसल इन सैनिटाइजर्स में जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो काफी ज्वलनशील होते हैं। इसका मतलब अगर ये हीट के संपर्क में, गर्मी के संपर्क में आए तो आग भी लग सकती है। तो फौरन आप अपने कार से, स्कूटर की डिक्की से इन हैंड सैनिटाइजर को हटा दें, क्योंकि एक बार इंजन स्टार्ट होने के बाद ये कार के अंदर या फिर बाइक के अंदर हीट जनरेट होने की वजह से फट भी सकते हैं और एक भयानक हादसा हो सकता है। इसके साथ ही भूल कर भी हैंड सैनिटाइजर को कभी भी किचन में नहीं रखें। किचन में वैसे भी टेम्परेचर हाई होता है और फिर आग के पास अगर आप हैंड सैनिटाइजर को रखते हैं तो एक भयानक हादसा हो सकता है। अगर आप अपने हाथों में हैंड सैनिटाइजर लगाए हुए हैं और इसके बाद आप किचन में फौरन जाकर आग के पास कोई काम करने लगते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। अगर आपने हैंड सैनिटाइजर लगाया है और कहीं वो आपके कपड़ों पर गिर गया है और फिर आप किचन में या आग के पास पहुंच गए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आग भड़क उठे। तो ऐसे में अगर हैंड सैनिटाइजर का कोई ड्रॉप आपके कपड़ों पर गिर गया है तो उसे फौरन साफ कर लें। किचन के साथ ही अगर आप अपने पूजा रूम में जा रहे हैं और आपने हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया है तो फिर धूप, दिया या अगरबत्ती जलाते समय ज़्यादा सावधानी बरतें। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हैंड सैनिटाइजर की पहुंच से दूर ही रखें, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये खतरनाक लिक्विड है और ऐसे में अगर वो हैंड सैनिटाइजर पी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और अल्कोहल भी ज्वलनशील पदार्थ की तरह ही काम करता है। और अब बात करते हैं स्मोकर्स की। कोरोना के इस दौर में कई बार स्मोकर्स भी हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते होंगे और इसके बाद माचिस की तीली या फिर लाइटर जलाते होंगे। ऐसे में आपको बहुत प्रिकॉशन रखना है, नहीं तो एक भयानक हादसा हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।